फ्रेंड्स, मैं पूनम, पूनम्स इजी रेसिपी में आपका स्वागत है। तो मैंने सोचा आज मेरा पहला वीडियो है आज यूट्यूब में, तो मैंने आज सेवई का खीर बनाने के लिए सोचा है। तो चलिए हम सेवई का खीर बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम देखते हैं सेवई की खीर बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। तो मैंने लिया है यहाँ पे एक बाउल, छोटी बाउल में शुगर, रोस्टेड सेवई, 500 ml मिल्क है, ये है मिल्क मेड, और घी, ये है एक ऑप्शनल है, इसमें आलमंड एंड काजू का पाउडर है जो मैंने ग्राइंड कर लिया है पहले ही, एंड ये रोस्टेड काजू, किशमिश एंड आलमंड है जो हम इसको गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। चलिए तो अभी हम सेवई की खीर बनाने शुरू करते हैं। चलिए सेवई की खीर बनाने के लिए मैंने एक बर्तन मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, इसे प्री हीट कर लीजिएगा। उसके बाद 2 चम्मच शुद्ध घी है ये, अब मैंने जो रोस्टेड सेवई जो रखा था उसे मैंने सादा ही भुना हुआ था ये, तो अभी मैं घी में उसे कम से कम 1 मिनट हल्का से मतलब भून लूँगी, और उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट डालूँगी। ये मैंने सेवई डाला, मैंने आँच एकदम से सिम रखा है गैस का फ्लेम। जब तक ये सेवई थोड़ा रोस्ट हो रही है, मैंने दूसरी तरफ एक बर्तन लिया है जिसमें मिल्क गर्म कर लेती हूँ। हो गया है, रोस्ट हो गया है, तो मैंने जो मिल्क मैंने गरम किया है ये मिल्क डाल देती हूँ। आपको शक्कर जितना पसंद है उतना मीठा आप डाल सकते हैं। इसमें उबाल आ गया है, हम इसमें जो काजू और बादाम का जो मैंने पाउडर बनाया था ऑप्शनल है आपके लिए, आप पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर साबुत भी डाल सकते हैं। अब ये दूध गाढ़ी हो गई है, इसमें हम कम से कम 2 या 3 स्पून आप डाल सकते हैं मिल्क मेड, इसका स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। अब सेवई का खीर पक चुकी है, अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। खीर रेडी है, मैंने एक बॉल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं जो आपको मैंने बताया था जो ड्राई फ्रूट्स मैंने घी में तल कर रखा था इसे हम गार्निश कर लेंगे। काजू, बादाम, किशमिश है इसमें, अब इसे गार्निश कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज का पहला वीडियो। तो ये रही सेवई का खीर रेडी है। अगर आपको ऐसे नई रेसिपीज चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं